किसी का नहीं होते देखा जितना सुल्तान-ए-मदीना का हो रहा था।
बादशाहों की कहानियां किस्सा एक वाली न बन गई, रुस्तमों सहराब के अफसाने मानो भूल गया है। कहाँ गया है वक्त तुगलक, फराई ने मिसर और खाकान, आले सासान साढ़े 31 तबक कर रहे, लेकिन आज उनका नाम निशान बाकी नहीं है। यहाँ तो 5 साल के लिए असम्बलियाँ मुंतखब होती हैं और 2 साल के बाद हुकूमत डोलने लग जाती है, लेकिन 3150 साल एक खानदान तख्त ईरान पे बराजमान रहा और 150 हुक्मरान यके बाद दीगरे उसी एक खानदान के तख्त नशीन रहे, लेकिन आज उनकी कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं है। वो मुश्ताक यूसुफ ने क्या खूब कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे याद रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। इसके पास वक्त है कि किसी को याद रखे, लेकिन ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सदियाँ बीत गई, ना तो दरूद व नात के फूल महंगे हुए और ना ही गुंबद खजरा का रंग भरा होना हुजूर की यादों से महक रहा। आला हजरत क्या खूब फरमा गए कि कान जिधर लगाइए तेर की दास्तान। सदियां कबल हुजूर इस दुनिया पे जलवा फिराज हुए थे, लेकिन माहौल की रौनकें बताती हैं जिसका कोई कल ही यहाँ से गुजर के क्या हो। क्या उसने कहा था कि जमीन से आसमान तक, आसमान से ला मकान तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने वो कहाँ तक। आज मैं और आप उसी हुस्न का कसीदा पढ़ने के लिए जमा हुए हैं और ये अजल से ताबाबत सिलसिला जारी है। हर चीज नीचे जा रही है, अकदार आलिया फना पजीर, अखलाक हसना बाकी नहीं रहे, नेकियों की कुवतें और नेक जबान पजीर है, हर शहर नीचे जा रही है, लेकिन जिक्र रसूल ऊपर जा रहा है। हुजूर पर वारफाना का जिक्र का साया रब ने तना हुआ है और हर आने वाली घड़ी हुजूर की अजमतों के डंके बजा दी गई है। पहले ईमान है कि वो हुजूर के जिक्र से तस्कीन पाए। हजरत शेख महदी अल फासी मुताजिर मुसर्रात शरा दलाइल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड ही ना पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र हो और तस्कीन ना पहुंचे। आज लोग हमें पूछते हैं कि ये मीलाद कहाँ लिखा हुआ, लिखे की कमी नहीं है, हमारे उलमा तलाइल के अंबार लगा देते हैं, लेकिन मैं कहा करता हूँ क्या जिक्र रसूल के लिए भी किसी दलील की जरूरत है। कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का तस्करा छिड़ा हो और बुलबुल कहे लिखा कहाँ, कभी सुना है कि बात शमा की चल रही हो और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो, और ये भी मुमकिन नहीं कि बात मुहिब की हो रही हो, महबूब की हो रही हो और मुहिब को किसी दलील की जरूरत हो। मुहिब के लिए तो इससे बड़ा सरमाया ही कोई नहीं कि कोई उसके महबूब की बातें छेड़ो। इमाम शाफी कहते हैं मेरे ममदूब की बातें छेड़ो, मेरे महबूब का जिक्र करो, मेरे महबूब का तस्करा ऐसी कस्तूरी है तुम जितना उसे छेड़ते जाओगे उतनी ही खुशबू फैलती जाएगी। कस्तूरी का मिजाज है, जितना तगड़ोगे उतनी खुशबू फैलेगी। ये नाम मोहम्मद का भी मिजाज है, जितना इस नाम का तकरार करोगे उतनी खुशबू फैलती चली जाएगी। मैं कहा करता हूँ सारी दुनिया के शहर में छोड़ दो, मुंह इतना मीठा नहीं होता जितना नाम मोहम्मद लेते सर। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहाव जैसे और असहाब सितारों जैसे। तो मुहिब के लिए तस्कीन और कल्ब नजर की राहत का सामान है हुजूर की बातें। अल्लामा रूमी ने लिखा, किसी ने मजनू को देखा कि वो रेत के ऊपर लैला लैला लिख रहा है, पूछा क्या कर रहे हो, गुफ्त मशके नामे लैला मी को नम खातरे खुदरा तसल्ली मी दाम, कहने लगा कि मैं अपने महबूब का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। वो साहबजादा रजाउद्दीन सिद्दीकी साहब से तो आप आगाह हैं, वो कहते हैं कि कभी वो बेअरादा नाम तेरा रेत पे लिखना, कभी पानी की गहराई में कंकर फेंकते रहना, कभी वो चौंक कर उठना हिजरा की रातों में, किसी मोहूम वादे पर दरीचे खोलते रहना, गुलाब होठों के सारे जावियों की याद दोहराना, तेरे लहजे में गाले गाले खुद ही बोलते रहना, रजा माना के तुमको भी किसी से प्यार है, लेकर बहुत अच्छा नहीं है अपने राज खुद ही खोलते रहना, गुफ्त मशके नामे लैला खातरे खुदरा तसल्ली मीदहम।
कहने लगा महबूब का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा हूँ, अगर मजनू को लैला का नाम तस्कीन देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद तस्कीन नहीं देता। तो कहा करता हूँ मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा। ठंड पड़ जाती है सीने में जब किसी के लबों पे नाम मोहम्मद आ जाए। ये तस्कीन कल्ब और नजर का सामान है और राहतों का जरिया और सबब है। पहले इमाम इसी नाम के तकरार से अपने कल्ब की तस्कीन का सामान करते हैं। इमाम गजाली किताब की तकायफुल अखबार, अब तो उसका तर्जुमा भी मार्केट में शायद दस्तियाब है, उसमें लिखते हैं कि इंसान जो नमाज पढ़ रहे हैं ये नमाज क्या है। आफमत अल कयाम कल अलिफ, कयाम अलिफ की तरह है। वह रकू कल हा, रकू हा की तरह है। वह सजदा तो कल मीम, सजदा मीम की तरह है। वह तशहुद कल दाल, और तशहुद दाल की तरह है। तुम नमाज पढ़ रहे हो वो नाम अहमद का नक्शा दे रहा है। फिर कहा आगे आइए अल्लाह सो मुदव्वद कल मीम, सर मीम की तरह बोल। वल यदाम कल हा, और दोनों हाथ हा की तरह। वल बक कल मीम इस्सानी, पेट दूसरे मीम की तरह। वल रिजलान कल दाल, और टांगे दाल की तरह। तुम इंसान बने करते हो वो नाम मोहम्मद का नक्शा दे। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वाशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। जाना किधर जा, हर जगह तो नाम इसी का ही चराना है और इसी नाम के तस्करे हैं। और कायनात का कोई गोशा कोना ऐसा नहीं है जहां नाम मोहम्मद की सदा ना हो। तो आज मैं और आप इसी मकसद के लिए जमा हुए, और ये कोई आज की इजाद नहीं है, अजल से ये नगमा छिड़ा है और ताब आबद बाकी रहे। हुजूर की मजालिस में भी इन उनवानात पर बहस होती, और सहाबा इस ऐसे उनवानात की खुशबू से अपने मशाम कल्ब और नजर की तस्कीन का सामान किया करते थे। आप देखिए हजरत अबू बकर बिन दासा कहते हैं कि हजरत इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें जमाई। इमाम बदर बिन नैनी ने उमदतुल कारी शरह सही बुखारी में इसको लिखा। अब वो अहकाम जिनसे अहकाम शरिया साबित होते हैं, उलमा जलवा फिराज हैं मेरी तस्दीक फरमाएंगे कि वो सिर्फ 800 हदीसें, बाकी जो अहदीस हैं वो किस उनवान से। कुरान मजीद की 6,500 से ज्यादा आयात हैं, लेकिन जिनसे अहकाम दीनिया का इस्तिंबात हम करते हैं वो सिर्फ 500, बाकी किसस पे, फजाइल पे, तरगीब व तरहीब पे, दीगर उमूर पे, तो सिर्फ नमाज, रोजा, हज और दीगर उमूर पर इसका यकीन नहीं है, बल्कि उसने मोहम्मद के कसीदे पढ़ना ये भी थी। कुतुबे हदीस में 400 हदीसें सिर्फ हुजूर के लिए थे, बल्कि इकबाल का लहजा अगर मैं उठा हूं तो उसने कहा था व मुस्तफा परसा खेशरा के दी हमा अगर बाउ ना रसी दी तमाम मुलाहदीस। और सहाबा की मजालस हुजूर के जिक्र से महकी और मुनव्वर कहा करती थी। मुस्लिम में रिवायत है, तिर्मिज़ी में रिवायत है, सुनन नसाई में रिवायत है। आका करीम जलवा फिराज हुए तो सहाबा किसी अमर में गुफ्तगू कर रहे थे। आका करीम ने फरमाया मा आज लसकुम, तुम्हें यहाँ किसने बिठाया हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने कहा जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना बिका अलैहा, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने आपकी सूरत पे हमारे पास जो कर्म किया है उसका जिक्र कर उसका अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। आज हम भी इसलिए बैठे हुए, आज हमारी मजालसत का मकसद भी तो यही है। तो सहाबा ने अर्ज की साफ साफ कहा कि जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना बिका अलैहा, आपकी सूरत पर जो एहसान हुआ है और अल्लाह ने इस्लाम अता किया है आपके सदके से, हम उस पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कसम उठाओ कि तुम वाकई इसीलिए बैठे हुए। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह की कसम हम इसलिए बैठे। हुजूर ने फरमाया मैं किसी तोहमत की वजह से कसम नहीं ली, तुम्हारे कौल की सदाकत में मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन मैंने कसम इसलिए ली कि माजरा कोई और था, अता नहीं जिब्रील, मैं अंदर बैठा था कि जिब्रील आ गए। उन्होंने कहा महबूब जरा बाहर तो निकल के देखो क्या हो रहा है। अल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस अमल से अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। अमल क्या था, तज़किरा मुस्तफा कर रहे थे। हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला ने बोल रहे होंगे मन्ना अलैना रब्बुना अम बासा फीना मुहम्मदा, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हुजूर अता कर। इसी को उर्दू में ढाले तो यूं कहेंगे ना कि मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। यही तो लहजा है हसान बिन साबित का, मन्ना अलैना रब्बुना अम बासा फीना मुहम्मदा, कहते हमारे ऊपर अल्लाह का फजल हुआ और अल्लाह का करम हुआ, उसने एहसान किया हमारे ऊपर कि हमें हुजूर अता कर दिया। मैं और आप सोचे तो सही कितना बड़ा एहसास है। 12 नबियों ने आरजू की है कि हुजूर की उम्मत से
तमन्नाएं हैं, आरजूएं हैं, ख्वाहिशात हैं। कोई कहता है इस्मु अल-मुतवक्किल, कोई कहता लैसा बिफज़्लिन वला बिगालिस, कोई कहता रब्बना वब हस्बी हम रसूला, कोई कहता मुबश्शरन बिरसूली याति मिन बाद इस्मु अक्तर। जमाना मुंतजर है, हमने कोई इंतजार तो नहीं किया। आगोश माजर में आए मुअज्जिन ने आके मुबारक की, मुबारक को मुस्तफा का गुलाम बन गया। मैं तो कहा करता हूँ शाहों से मिला है, ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से कितनी शान बिन बाप पैदा हुए। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा था, इतने में हुज़ूर तशरीफ ले आए। ज़ाहिर है सहाबा ने आकर में तज़किरा तो हुज़ूर का ही करना था, लेकिन दूर खुद ही आ गए अल्लाह। और फिर हुस्न खुद नाज में आ गया, जब हुस्न खुद नाज में आ जाए तो रंग तो और ही कुछ होते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा क्या गुफ्तगु कर रहे हैं, उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर हम नबियों का तज़किरा कर रहे थे, हम नबियों का तज़किरा कर रहे थे। कहा तुमने कहा आदम सफ़ीउल्लाह हुवा कज़ालिक, बिल्कुल ऐसे। तुमने कहा नूह नशीउल्लाह हुवा कज़ालिक, तुमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हुवा कज़ालिक ऐसे, सबका तज़किरा किया। और आखिर में फरमाया अला बाना हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। और फिर फरमाया लिवाउल हमद बियदी यौम अल क़यामा वला फख़्र, हम का झंडा मेरे हाथों में क़यामत के दिन होगा। और ये नबियों का तज़किरा ये सारे मेरे झंडे के साए थे, वला फख़्र, लेकिन मुझे इस पे फख़्र नहीं है। यह हमला लिखा है बड़ी खूबसूरत बात, वो कहते हैं बात तो फख्र वाली अफकर करते ही, नबी झंडे के साए तले खड़े हों को छोटी बात तो नहीं है। वो एक जमाना था, इसी जगह मुझे जाना हुआ तो मेरे पास टाइम था, शार्ट था, लेकिन वो असराज कर रहे थे तो वो मुझे कहने लगे कि फलां 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 आ रहा है। तो मैंने कहा कि बस मेरी मजबूरी है, मेरी मसरूफियत है। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे शख्स का नाम दिया कि जिसको देखने का मुझे भी शौक था, अल्लाह से जिंदगी दे। तो मैं जो है वो चला गया, तो वो जो साहब मजलिस था वो इतरा रहा था इस बात पर कि मेरी आज महफिल के अंदर एक आदमी साइंसदान बैठा हुआ है, मेरी मजलिस के अंदर फला फला शख्स बैठा है। तो मैं आज जब ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तभी ये बात मेरे जहन में आई कि यार जिसकी मजलिस में कोई आला सिविल और फौजी हकाम हो और कुछ एटमी साइंसदान हो वो तो नाज करे, वो तो फख्र करे, और जिसके झंडे तले नबी खड़े हो वो कितना नाज करे और कितना फख्र की बात है उसके लिए। मुजाहिदी कहते हैं बात तो फख्र वाली लेकिन करते अल्लाह का जलील उल कदर नबी हजरत ईसा झंडे के साए तले खड़ा हो, बात फख्र वाली है कि नहीं। अबुल बशर इंसानियत का नुक्ताबाज मस्जूदुल मलाइका जनाब आदम झंडे के साए तले खड़े हो, बात फख्र वाली है कि नहीं। जलते हुए शोलों में भी हंस के बात करने वाला अल्लाह का खलील, बेटे की गर्दन को छुई रख देने वाला खलील अल्लाह झंडे के साए तले खड़ा हो, बात फख्र वाली है कि नहीं। सरे दूर खुदा से बातें करने वाला कलीम अल्लाह झंडे के साए तले खड़ा हो, बात फख्र वाली है कि नहीं। कब अल्लाह फख्र मैं नहीं करता। तो मुल्ला अली कारी कहते हैं जब बात फख्र वाली है तो करते क्यों नहीं। फिर खुद कहते हैं असल बात ये कि हुजूर के लिए फख्र की बात नहीं है कि झंडे के साए तले, ये नबियों के लिए फख्र की बात है, हुजूर का झंडा मिल गया। खुद अपना जिक्र किया। अब हुजूर के विशाल के बाद की एक मिसाल भी आपके सामने रखूंगा, मुख्तसर हदीस है। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में सबसे आखिर में इनका विसाल होता है, 110 हिजरी में सबसे आखिरी सहाबी हुजूर के विसाल के 100 साल तक जिंदा है। हज का मौसम है, ऊंचे टीले पर खड़े हो गए और लोगों को कहा लोगों आओ ना जरा मेरे पास और मुझसे हुजूर की बातें सुनो। इस वक्त दूर जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं है जिसने हुजूर को देखा, यही दो आंखें जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक ने कहा था ना अपने शागिर्दों को
कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी। ऐ लोगों, तुमने ज़ौक को देखा, तुमने ज़ौक से बातें की। जिन्होंने उस्ताद ज़ौक को देखा उस पे तो जमाना नाज करे, तो जिन आंखों ने आमना के लाल को देखा, खुदा को देखा, उन आंखों की किस्मत का क्या कहना। तो हज़रत अबू तुफैल कहने लगे, लोगों मेरे पास आओ, आओ मैं तुम्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हुलिया बताऊं। अब ये ऐलान हो कि हुज़ूर का हुलिया बयान होगा और हुज़ूर के हुस्न के कसीदे पढ़े जाएंगे और हुज़ूर का मिलाद हो और शाख आए ना, एक छोटा सा इश्तिहार निकलता है तो जो है वो कितने लोग पीछे हो जाते हैं। तो हजरत अबू तुफैल कहते हैं, आओ मैं सुनाऊं। लोग हुजूम करके जमा हो गए और कहा, सिर्फ लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुज़ूर का हुलिया बयान कीजिए। उन्होंने तीन लफ्जों में हुज़ूर का हुलिया बयान किया, कान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिदन मलीहन मुकसरन, एक तो चिट्टे रंग के थे आबिदन, अल्लाह अकबर, एक हदीस में अज़हर अल्लाह के लफ्ज है, निखरा हुआ रंग। वो उम्मे मोहब्बत ने जो हुज़ूर का हुलिया बयान किया उसमें क्या आया, तो अजलन ज़ाहिरन बज़ा, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा निखरा हुआ था, मैं उस खातून के मुकद्दर पर भी कुर्बान, इसकी कुल्ली में हुज़ूर ठहरे। आका करीम हज हिजरत के रात तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में उसका घर आया और फरमाया कि अगर हमारी खिदमत के लिए कुछ है तो पेश करो। उसने कहा, एक अरब खातून और मेहमान आ जाए तो हम तो सब कुछ हटा देते हैं, और फिर मेहमान भी इतने सोने हैं, लेकिन बदकिस्मत ये है कि आज मेरे घर में है कुछ नहीं कि जो मैं पेश कर सकूं। एक लालच सी बकरी थी कोने में बंदी, लालच है तो इसका दूध दो ले। उसने कहा, इसकी हड्डियों में गोदा भी नहीं है, दूध कहाँ से आएगा, अगर ये चलने के काबिल होती तो रेबड़ के साथ ना जाती। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम इज्जत दो तो हम इसको इसका दूध दो ले। उसने कहा, मुझे क्या इतराज हो सकता है। तो जनाब सैयद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने बकरी को खोला, हुजूर के सामने खड़ा किया। आका ने दस्ते भर कर दस्ते उसकी पुश्त पे रखा, उसने टांगे चौड़ी कर जुजरी दी और उसकी खीरी में दूध था। गाँव में माफत को के कोई बर्तन लाओ ना, उसने छोटी सी गडरी पेश की, एक बकरी का कितना दूध होता है। रिवायत में था जब हुजूर ने दूध दोया तो छाप उठने लगी। उसने दूसरा बर्तन दिया, वो भी भर गया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पूरे घर के बर्तन दूध से भर गया। अल्लाह ने बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। अल्लाह अकबर, खुद भी पिया, आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला ने पिया, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी पिया, उम्मे माबत ने भी पिया, उसके बच्चे ने भी पिया, बर्तन भी भर के दूध फेंक दिया। खैर हुज़ूर ने दुआ दी, चले 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 गए, तशरीफ ले गए। उम्मे माबत को पूछना याद न रहा कौन और कहाँ से आए। अब शाम को जब अबू माबत बकरियों का रेबड़ लेकर के आया ना, तो उसने कच्ची कुल्ली पे दूध बरसना देखा। वे बहुत खूबसूरत सनात हम कह रहे थे कि आज यहाँ मुझे पढ़ने का मजा आ रहा है, चूंकि सुखन शनास मजमा बैठा हुआ, तो मैं भी एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। नशीर बाजी कहता है, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महक था, जहाँ रुके खुशबू और पी नसीरुद्दीन नसीर अलैहिस्सलाम का मिला। वो कहते हैं, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार उधर से बाहर गुजरी। अबू माबत पूछते हैं, उम्मे माबत को, आज हमारे घर में ये रोशनी कैसी है, ये ताजगी, ये फरहत, ये बशाशत। उसने कहा, नाम तो पूछता याद नहीं रहा, खुद ही नाम रखी है, और कहती है कि हमारे घर में आज मुबारक आया, मुबारक अपने तौर पर नाम रखा। अच्छा, तो लुत्फ की बात है कि वो हुजूर के का हुस्न बयान करती है और वो एक वादिया नशीन खातून है, एक देहाती औरत है, लेकिन उसके एक जुमले पे बड़ी बड़ी फलसफात पे और कलाम पे और शायरी और कसरत वाले कुरान। उसने हुजूर का सारा हुलिया बयान किया, लैस बिन तवील वला बिन कसीर, सब कुछ बयान किया, लेकिन मैं उसके एक दो जुमले आपके सामने रख देता हूँ। उसने कहा, मेरे शौहर मैं क्या बताऊँ कि वो कितना सोना था, जब वो दूर से आता था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। जरा देखिए, इसमें हुजूर की सुन्नत भी बयान की और सीरत भी बयान। कुछ लोग होते हैं ना, दूर से बड़े भले लगते हैं, करीब आए तो कुछ और निकलता है। वो क्या, किसी ने कहा था, उसके लहजे में यूं तो बर्फ नहीं लेकर, जो छू के देखा तो हाथ जाएंगे। दूर के ढोल तो सहाने होते हैं, करीब आए तो शोर ही होता है, लेकिन उसने कहा वो ऐसा हसीन था कि दूर से भी हसीन था और करीब से भी। अल्लाह अकबर, इस जुमले पर कुर्बान। उसने कितना खूबसूरत जुमला हुजूर के बारे में कहा कि वो दूर से भी सोना लगता था और करीब आया तो और सोना लगता था। अच्छा, शाम को जब अबू माबत बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है, उम्मे माबत खाना देने के लिए आती है,
तो अबू मबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनो। रोजाना शाम उनके घर में मुबारक का तस्करा होता, पर अगर इसको मैं सुन्नी लहजे में कह दूं तो रोजाना उनके घर में महफिल मिलाद हो, रोजाना उनके घर में महफिल मिलाद हो। अल्लाह अकबर। तो वो हुजूर का औलिया बयान करते हैं ज़ाहिदुल फसाद, अल्लाह अकबर। तो हज़रत अबू तुफैल कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या सफेद रंग बिल्कुल चिट्टा। बल्कि यहां मुझे बात याद आई जिस तरह वो बच्चों के उल्फी नाम रख लेते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इस होनहार पोते का एक उल्फी नाम रखा हुआ जिससे वो मुखातब करते थे, वो भी नहीं था अबियत, अबियत का मतलब चिट्टा, अबियत कह के पुकारते। और हजरत अबू तालिब का जो कसीदा है उनकी शान में उसने भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया, वो अबियत युस्तस्कल गमामों पे बचे समाल जितामा इस्मतुल दिल आराम। ये मेरा गोरी रंगत वाला भतीजा जिसके चेहरे के सदके से बादल उमड़ के आते हैं, ये यतीमों का सहारा और बेवाओं का आसरा। ये किस उम्र में कह रहे हैं जब हुजूर की उम्र 9 साल है, अल्लाह अकबर। यतीम हो के यतीम परवर, उस उम्र के अंदर भी गरीबों बेवाओं जो कि जो कसीदा अदब कहते थे वो सदाकत पर मुश्तमिल होता था। इसने कहा समाल यतामा इस्मतुल दिल आराम, ये बेवाओं का सहारा है यतीमों का आसरा है, अल्लाह अकबर। तो फरमाया अब ये एक तो सफेद रंग और दूसरा मलीह रंग नमकीन हुस्न था उसको, अल्लाह फरमाते हैं हुस्न फीके हैं जब तक न मजबूर हो, ऐ नमकीन हुस्न वाला हमारा। एक मौके पे लिखा वो मलीह दिलारा हमारा नमकीन हुस्न, बल्कि हुजूर ने खुद फरमाया आना अमला हो बाकी यूसुफ असफा हो, मैं नमकीन हुस्न वाला हूँ और मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न, मीठे हुस्न में जारी कशिश ज्यादा होती है और नमकीन हुस्न में बातनी कशिश ज्यादा होती है। हजरत शाह वलीउल्लाह मदरसे दैन के लिए रहमा कहते हैं मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम मदरसे दैन में उन्होंने ख्वाब में हुजूर की ज्यारत की, और ये बात ज़हन में रखें जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा उसने हुजूर को ही देखा। नमाज़ में पीछे तो उनसे रिवायत कर दी और फरमाया शैतान ख्वाब के इंतजार कर भी ये दावा नहीं कर सकता कि कहे कि मौजूद ही मिसल, जो जागते गए वो तो शैतान का भी बाबा ना, बल्कि शैतान में भी हिम्मत नहीं है कि वो हुजूर की मिसल होने का दावा, जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को ही देखा। अच्छा दूसरी बात क्या होगा इसका मतलब, हुजूर जिसके ख्वाब में आए कस्ब और इरादे से आए, मैं आपके ख्वाब में आप मेरे ख्वाब में आते हैं, मेरे आपका कस्ब और इरादा नहीं होता, मजलिस सजी के थोड़ी देर बाद बर्दाश्त हो मुझे भी बड़ी नींद चली हुई आप भी जाके सो जाए, मैं सबके चमकते हुए चेहरे थे आपको बता दो उसके ख्वाब में गए आप मुझे देख ले मुझे पता होगा, लेकिन हुजूर जिसके ख्वाब में जाते हैं कस्द इरादे और मर्जी से। इस जमन में तीसरी बात भी सुनी ख्वाब में मैं किसी को कुछ दूं या किसी से कुछ लूं वो महज ख्वाब है, करोड़पति बन के डाटे निकल रहे ख्वाब में, सुबह उठे गए कंगाल होंगे करोड़पति, भूख में तड़पते हुए सो गए आली दस बोटलों से रात खाना खाते थे, सुबह उठेंगे पेट भरा होकर खाते थे, वो क्या किसने कहा था 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया जब आंख खुली तो अपना ही गिरे बांध। कुछ नहीं होता है ख्वाब ख्वाब होता है, लेकिन हुजूर अगर अता करे इमाम हुसैन से पूछो चादर मिलती है सुबह उठते हैं सराहाने पे मौजूद हो, हुजूर अगर अता करते हैं तो हकीकत में अता करते। किताब का नाम है कौल उल्मुदी, इमाम सहाबी ने लिखा, एक शख्स हुजूर के रोजे पे खड़ा है और क्या कहता है आना जैद होगा मैं आपका मेहमान, आपके होते मैं किसी और से तो नहीं मांगता, मियां मोहम्मद बख्शात पे खड़ी बोले आका जी मैं तेरा हो के खैर मंगा था दर मरियल कुत्ता के अफवामा इटे बख्ता जब खड़े ही आपकी तहरीज पे हो, और आला हजरत बोले कौन देता है देने को ऊंचा, देने वाला है सच्चा कोई देता भी कोई ना, और अगर चांद टके छोरी में डाल भी दे तो सारी जिंदगी जतलाता है। यहाँ आरफ अब्दुल लतीफ ने हद कर वो कहता और जितने भी सहारे हैं सुबक करते इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा, किसी चौधरी का मांगे भी सर उठा के चल सकता है लेकिन जो नबी की तहरीर से खराब लेके आता है वो सर उठा के चलता है, ये खराब मुझे मुस्तफा की तहरीर से नहीं। इसीलिए आला हजरत मशवरा देते हैं ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहे काफिला तो है रिजा अव्वल गया आखिर गया, वो खड़ा ही उसकी की तहरीर पे, वो कहता आना सैफ आंख लग गई हजरत उमर और हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमा के नाफ का रुख हुजूर आ रहे आकर तशरीफ लाए दाएं हाथ में रोटी अपना खुश ले गए, कहता मैंने हुजूर से वो रोटी वसूल की भूख बड़ी लगी थी ख्वाब में खानी शुरू कर अभी आधी खाई थी क्या जब आम खुली तो आधा टुकड़ा मेरे हाथ में।
पर ये दो बातें बयान की हैं, मेरा मजमून और जो मैं समझाना चाहता था वो तो आप तक पहुंच गया, लेकिन एक और खूबसूरत वाक्य मेरे ज़हन में आ गया। सुभान अल्लाह। मैं शाह साहब की जो है वो शफकत हासिल करने के लिए, मोहब्बतें लेने के लिए और आप लोगों की ज़ियारत तबा के लिए मैं वो भी पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है रियाज़ुन नज़रा फी मनाक़िबे अशराफ़ बशर। ये जो 10 सहाबा जिनके हुज़ूर ने जिनके लिए जन्नत की बशारत दी उनके फ़ज़ाइल की किताब। हज़रत अली अल मुर्तज़ा अपना एक ख्वाब बयान करते कहते एक रात ऐसा हुआ कि मैं सोया और मुकद्दर जाके और हुज़ूर को ख्वाब में मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते हुए थे और दोनों रक्तों में हुज़ूर ने मखसूस दो सूरतों की तिलावत की। अच्छा कोई आम कारी कुरान पढ़े तो मजा आ जाता है, जब साहिब कुरान पढ़ते फरमाते हैं फजर की नमाज थी हुजूर थे और तो आगे क्योंकि सूरत तो आगे उसने मोहम्मद का तस्करा है ना, हुसन खुद ही हुसन का कसीदा पढ़ रहा हूँ तो कुछ और ही होती है। मुझे देख के कहने लगे कैफा तो नहीं आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूँ, हुसन नाज में आ गया है ना, कहा है बताओ आयशा कैसा लग रहा हूँ। हजरत आयशा कहती है हुजूर चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को दिखा रही है, चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को दिखा रही है। तो कहा की तिलावत आज तक नहीं भूल सका। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने ये मंजर देखा ख्वाब में। अच्छा हुजूर ने सलाम फेरा तो पलट के सहाबा की तरफ बैठ गए। किताब आसार के अंदर इमाम मोहम्मद ने लिखा है मिश्कात में भी रिवायत और भी कुतुब में जब हुजूर सलाम फेरते थे तो इतनी जल्दी पलट के सहाबा की तरफ रुख करते थे जिस तरह गर्म पत्थर पर बैठे। उसकी वजह शायद ही थी, ये बयान करते हैं कि हुजूर जानते थे सहाबा मेरे दीदार के लिए तरसते इतना वक्त भी कब गुजर तो मतलब नमाज के अंदर भी देख लिया करते करीब ये तो देखा मालिक से रिवायत है लोगों ने पता नहीं लिया कहां से है। अल्लाह अकबर। तो कहा कि सलाम फेर के बैठ गए कोई शख्स खजूरें लेकर के आ गया। बाकूरा बाकूरा कहते हैं दरख्तों पर जो पहला फल पकता है। तो सहाबा का मिजाज ये था कि वो पहला फल हुजूर की खिदमत में लाते। आज भी इस सुन्नत का तसलसल हमारे यहाँ पाया जाता है। पहली तनख्वाह पहली कमाई पहला फल पहली फसल उलमा को पीराने और शाम को बुजुर्गों को उस्तादों को और बुजुर्गों को हम पेश करते हैं उसी का उसी अकीदे का और अकीदत का तसल्लुस। सुभान अल्लाह। और सहाबा की भी याद होती है कोई नया खादा है सबसे पहले हुजूर का, बल्कि एक हुजूर का सहाबी था जो हुजूर से मजाक कर देता था, हुजूर उससे कर देते थे और वो ऐसा करता कि मंडी में चला जाता जो नया खादा था उसको ले लेता हुजूर की खिदमत में पेश करता और सदिये को कबूल करते बांट देते खुद भी खाते और उनको भी खिलाते। दो चार पांच दिन के बाद जब दोबारा जाता था मंडी में तो जिससे वो लिया होता लिया तो उधार होता तो पैसे मांगता बाजू से पकड़ता हुजूर के पास ले आता हुजूर को जो बसों फल नहीं खाया था उसके पैसे मांगते कि तूने मुझे तोहफा नहीं दिया। अर्ज करता हुजूर गरीब आदमी हूँ तोहफा कैसे दे सकता था, सोचा सबसे पहले हुजूर ही आपका खुश भी होते दुआ भी देते वो दो दफा दुआ ले जाता जैसे उन्हें लगते मुफ्त और मुफ्त में दो पहले मुफ्त दुआ ले जाता दूसरी मत। तो सहाबा की आदत थी कि वो सबसे पहले हुजूर को भेजते। बाकूला कहते हैं पहलो पकने वाला फल, किसी ने लिखा है कि अबू बकर भी बकूला से निकला शहर इस्लाम पे आने वाला पहला फल। तो बकूले की शक्ल में खजूरें थी पेश की आका ने बांट दी क्योंकि कासिम है ना इन्ना माना कासिम अल्लाह हु अकबर एक एक खजूर थी मौला कायनात कहते हैं मुझे भी अता की मुंह में रखा इतना लुत्फ पाया कि जिंदगी में आया ही था कभी। अब दिल में ये अरमां मचले काश मुझे हुजूर एक खजूर और मांग ना सका अदब भैया माने रहा लेकिन दिल में चलता था इस यस्ता में मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो खजूर का जायका मेरे मुंह में पहुंचा जिसको हुजूर देते हैं हकीकत में देते हैं। कहते मस्जिद में अजान हो रही थी मैंने जल्दी जल्दी हुजूर बनाया हजरत उमर मुसल्ले पे जो सूरत रात हुजूर ने तिलावत की पूरी मैं समझ गया रात वाले ख्वाब की ताबीर कभी आपने भी देखा हो रात को ख्वाब होता है दिल को फौरन ताबीर होता है। हदीस में इसकी मिसाल हजरत खुज़ैमा से जो हुजूर की खिदमत में आए हुजूर बड़ा अजीब ख्वाब देखा कहा क्या देखा इन्नी अस्कुलु अला जबहति आपकी पेशानी पर सजदा कर रहा हूं बड़ा परेशान फस्तजा रसूलुल्लाह फकाल सद्दिक रोया का या खुज़ैमा हुजूर लेट के सुना बाकी बातें बाद में करेंगे पहले ख्वाब की ताबीर पूरी कर। कभी ऐसे होता है रात को ख्वाब दिल को ताबीर और आप जानते हैं कुरान में इसकी तमसील मौजूद है ख्वाब की ताबीर तक पहुंचने के लिए कभी किनान के कुएं में जाना पड़ता है कभी मालिक इतने जगर की कैद में जाना पड़ता है कभी मिस्र के बाजार में बिकना पड़ता है कभी अजीज मिस्र की कैद काटना पड़ती है
40 साल बीतते हैं, फिर हजरत यूसुफ बोलते हैं या अबते हाजा ताबीन हो या मैं कब, मेरे बाप ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो बहुत पहले मैंने देखा था, एक ख्वाब रात को ख्वाब दिन को ताबीर, और एक ताबीर तक पहुंचते पहुंचते 40 साल लगते। कहे मैं समझ गया ये वो वाला ख्वाब है, रात को ख्वाब दिन को ताबीर। फिर पलट के बैठे इस्लाम पे आ जाओ। मैंने कहा बाबूदा भी आएगा कुछ मेरे भी आ गए। मैंने कहा बांटे के भी बांटना भी शुरू कर दी, मुझे दी मैंने मुंह में रखी, रात वाला लुत्फ ताजा हो गया। हुजूर से तो मांग ना सका था भैया, माने था लेकिन जनाबी उमर से तो दोस्त आना था। मैंने कहा उमर एक खजूर से काम तो नहीं चलेगा, मुझे तो दो दो, मुझे तो और जनाबी उमर रजी अल्लाह तआला ने माना खेल नजरों से देखा और फिर मुस्कुरा के कहा अली अगर हुजूर ने दी होती तो मैं भी, हुजूर ने अता नहीं किया तो मैं अता करूं। तो जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को ही देखा, हुजूर कष्ट से आए, हुजूर ने जो अता किया हकीकत में अता। चौथी बात और सुनने फरमाया मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक्सा, ये बुखारी शरीफ के लफ्ज है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा ख्वाब में अन करीब जागते भी देखा। अल्लाह अकबर। उलमा ने इसकी शरह में लिखा सारी जिंदगी नाम ही देख सका, जब नजा का आलम तारी होगा रुखे महफूज साहब। तो बताओ अगर उसको कदीर मिल जाए तो क्या चाहिए। चौधरी साहब क्या खूब कह गए, सौखा निकले सा जरूरी जे वेख लवा मुख तेरा, अगर उस वक्त दीदार नसीब हो जाए तो और क्या चाहिए। अगर वक्त ये जल सर तेरी चौखट पे डरा हो जितनी हो कजाए की सजदे में अदा। सुभान अल्लाह। तो कभी कोई और हो ना वो तो कैफियत ही कुछ और हो। अल्लाह अकबर। तो जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को देखा। हजरत पेशाब वलीउल्लाह ने ये वाकया लिखा है दुर्रे सबीन की मुबशरात नबी अमीन में, अब तो मार्केट में तर्जुमा भी उसका निकल जा रहा है। वो कहते हैं कि मेरे वालिद सोए मुकद्दर जागा, हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर से यही सवाल किया कि आपका फरमान है आना अमला हो वाही यूसुफ असवा, मैं नमकीन उस वाला हूँ और मेरा भाई यूसुफ मीठे उस वाला है। वहां जनान ने मिस्र ने उंगलियां काटी और यहाँ पे ऐसा वाकया पेश आया, इसकी क्या वजह। ये ख्वाब के अंदर शाह वलीउल्लाह के वालिद हुजूर से पूछा है। वाका करीम ने जो जवाब दिया वो शाह साहब ने लिखा कि हुजूर ने इरशाद किया जमाली मस्तूर अन आलिना गैरत में नहीं, ऐ अब्दुल रहीम अल्लाह ने मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से गैरत की वजह से छुपा कर, क्योंकि कोई मुहिब नहीं चाहता कि मेरा महबूब कोई दे। कदीम शिफाई का लहजा और उसका बारीक और खूबसूरत अंदाज रखूं तो उसने कहा था कि इस हद तक बढ़ गई है बेइतमादी कि तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता हूं। कहता मेरी आरज़ू तो यह है कि तू आईना भी ना देख, ये मोहब्बत की गैरत है। कहा जमाली मस्तूर अन आयुन नास गैरत मिन अल्लाह, ये गैरत है उसकी मोहब्बत की, वो नहीं चाहता कि मेरे महबूब को देखे। अच्छा ये हुस्न छुपा हुआ था पोशीदा था। उलमा ने लिखा सूफिया कहते हैं 70,000 बशरियत के पर्दे थे। हजरत एहसान बिन साबित हुजूर का औलिया बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं क्यों बयान करता हूँ, मेरे पास एक डांग था देखने का और वो क्या था फलम्मा नजर तो इला अनवारी तो बता तो कफी अला ऐनी खौफा मिन ज़िहाब बसरी, मैं अपनी आंखों पर उंगलियां रख के उंगलियों की ओर से हुजूर को देख लिया करता। सुभान अल्लाह। उंगलियां इसलिए रखता था कि जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई ना जाती। ये कौन कह रहे हैं, हजरत एहसान बिन साबित। और एहसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु शायद है और शायद तो हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है, तो एक शायद भी छुपे हुए हुस्न को देखे तो उंगलियां रख के देखे, अगर वो हुस्न बेनकाब होता तो क्या होता। मौलाना हसन रजा बोले ना कि वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशा है। और किसी ने कहा कि यही बेहतर है कि वो पर्दे में तू होश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। अल्लाह अकबर। बाकी रही बात जनाने मिस्र की उंगलियां काटने की, वाला तरह से पूछे माते उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ट जना। मैंने बड़ी दुखनी से लेकर के जिसको रेखती का पहला उस्ताद कहते हैं बाद उसी का नाम बोलता हुआ इकबाल गालिब तक तकरीबन जो है वह साथ से सुखन उनको ज्यादा तो काफी उनको पढ़ा हुआ है, तो मैंने कई मजालस में दावा किया है जहाँ शोरा भी मौजूद थे कि उर्दू अदब के दामन में सनद-ए-तज़ाद का कोई ऐसा शेर है कि जो आला अदब का है। तज़ाद क्या है कि शायद एक मिसर में बात करता है दूसरे में उसका तज़ाद ना, किसी शेर में एक तज़ाद किसी में दो किसी में तीन, लेकिन यहाँ उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना छह तज़ाद, आगे उसका तज़ाद सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। उधर हुस्न है इधर सिर्फ नाम, उधर उंगलियां हैं इधर सर, वो उंगलियां औरतों की हैं ये सर मर्दों के।
वो औरतें भी मिस्र की हैं और ये मर्द भी अरब के हैं और उधर कटी माजी है कटाते हैं मुजादे है तसलसल जारी आमद जी ने अभी कल कटवाई तसलसल जारी कटी उलमा तशरीफ फरमाते हैं लाजिम है बेख्तियारी में ऐसा हुआ कटी इरादा नहीं है कस्त नहीं है कटाते हैं मुतादी है गौर कीजिए कितने तजादात उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में हम कुछ थे सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे फरमान उनकी उंगलियां कट गई ईमान फिर भी ना लाई इधर ईमान पहले लाए सर फिर कटा सखने शाही शहर याद अपनी जगह आप कहने को अहमद रिजा कैसा उस और कैसा समा बांधती है तो कहा आना आमला होगा कि यूसुफ आसपा कहा कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यदा मलीहन तीसरी बात मुकस्सा इन हर मामले में तवाज़ुन कद है ऐसा भी तबीन बना बिल कसी लंबा भी नहीं होता लबे लबे कद के लोग मौजूद होते थे मुझमे लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को इजाज किया जब हुजूर लोगों में खड़े होते हुजूर के कंधे लोगों के सर से ऊंचे नजर आए जबकि लंबे लंबे कद काट के लोग भी मौजूद बाकी साथ है अजीबुल आमा ऐसा बड़ा लेकर तवाज़ुन से बड़ा बाकी भी आसाए तो तीन लफ्जों के अंदर हुजूर का हुलिया बयान किया आज का मौका है आज वो कहते हैं आओ दीन की बातें करें और नमाज रोजे को ही दीन समझते हैं इससे बड़ा अहम मौका और क्या हो सकता था कि लोग हज पे आए हैं और सियाबी भी आ रही है उसके बाद जो अब कोई सियाबी भी बाकी नहीं रहेगा तो उनको नमाज का बता देते रोजे का बता देते लेकिन कहा आओ मैं उसने मोहम्मद के तस्करे करूं और लोग भी हुजूम करके चले गए कि हमें सुनाओ हुजूर का तस्करा आज हमारी मजालिस सियाबा भी कि उसी अंदाज का तसलसल है और अपनी हकीकतों का इजहार हम हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर दे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशा अल्लाह